दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं आईपीएल 2022 में खेल रहे टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर की ब्यूटीफुल वाइफ और गर्लफ्रेंड से। क्या आपको पता है आखिर इनकी वाइफ और गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपकी फेवरेट टीम केकेआर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड राधिका धोपावकर से 2014 में शादी की और 2019 में दोनों की एक लड़की हुई जिसका नाम इन्होंने आर्या रखा। नंबर 2, सुनील नारायण। ऑलराउंडर सुनील नारायण मैरिड है, इन्होंने दो शादी की है। 2013 में सुनील नारायण ने नंदिता कुमार से शादी की जो इंडियन थी, लेकिन दोनों कुछ साल बाद अलग हो गए, जिसके बाद सुनील नारायण ने जेलिया से शादी की और इनकी एक लड़की भी है। नंबर 3, नीतीश राणा। बेहतरीन बैट्समैन नीतीश राणा ने इंटीरियर डिजाइनर सच्ची मारवा से 2019 में शादी की, जिनको ये लगभग 2016 से डेट कर रहे थे। नंबर 4, पैट कमिंस। बॉलर पैट कमिंस ने इंटीरियर डिजाइनर बैकी बोस्टन से साल 2020 में एंगेजमेंट की, जिन्हें ये 7 साल से डेट कर रहे थे और इन दोनों का एक लड़का भी है। नंबर 5, आंद्र रसल। ऑलराउंडर आंद्र रसल ने साल 2016 में अमेरिकन मॉडल जैसिम लॉरा से शादी की और इन दोनों की एक बेटी भी है। नंबर 6, टीम साउथी। बॉलर टीम साउथी मैरिड है, इन्होंने बिरिया फही से शादी की है और इन दोनों की दो बेटी भी है। नंबर 7, उमेश यादव। बेहतरीन बॉलर उमेश यादव ने तानिया वधवा से 2013 में शादी की और शादी के 8 साल बाद यानी 2021 में इनकी एक लड़की हुई। नंबर 8, सैम बिलिंग्स। इंग्लैंड विकेट कीपर और बैट्समैन सैम बिलिंग्स अनमैरिड है, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड है जिनका नाम सारा कैंटले है, जो प्रोफेशन से टेनिस प्लेयर है। नंबर 9, सेल्डन जैक्सन। सेल्डन जैक्सन ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड वरादा से शादी की है और दोनों का एक लड़का भी है। नंबर 10, एलेक्स हेल्स। बैट्समैन एलेक्स हेल्स अनमैरिड है, लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम डनी गिसबोन है, फिलहाल दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तो दोस्तों ये थी केकेआर प्लेयर की ब्यूटीफुल वाइफ और गर्लफ्रेंड। इनमें से आपका फेवरेट कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।